नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप सबका स्वागत है मूव मीडिया की खास पेशकश कहानी शासन सत्ता और सियासत के गलियारों से। आज हम बात करेंगे भारत देश के पहले दलित मुख्यमंत्री के बारे में। वो दलित मुख्यमंत्री कौन से प्रदेश से था, हम विस्तार से बताएंगे। तो साल था 1967 और पहली बार कांग्रेस के टिकट पर वो विधायक बने। ये वो दौर था जब पार्टियों की आपसी टूट फूट और कलह के चलते बिहार में 3 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी गंवा चुके थे। कांग्रेस ने दलित नेता के तौर पर उनको आगे किया और 22 मार्च 1968 को वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन गठबंधन की ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 3 महीने बाद ही उनकी कुर्सी चली गई। लेकिन बिहार की राजनीति में वो अपनी जगह बना चुके थे। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना से करीब 400 किलोमीटर दूर पूर्णिया जिले में एक गांव है बैरगांछी, जहां बिहार के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री का जन्म हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये वही भोला पासवान शास्त्री हैं जो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। भोला पासवान शास्त्री जो राज्यसभा सांसद, इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री और देश में जब पहली बार अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की आयोग बना तो उसके पहले चेयरमैन भी बने थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम ने 80 के दशक में देश की सियासत में दलित राजनीति की व्यूहरचना शुरू की थी। लेकिन उनकी इस कवायद से काफ़ी पहले ही बिहार में दलित मुख्यमंत्री के तौर पर भोला पासवान शास्त्री की ताजपोशी हो चुकी थी। साल था 1968, बिहार की सत्ता की कमान संभालने वाले भोला पासवान देश में पहले दलित मुख्यमंत्री बन चुके थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की बागडोर संभाली थी। इसके बाद भी सूबे में दलित राजनीति उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह अपनी जड़ें नहीं जमा सकी। 1968 में बिहार की सत्ता की कमान संभालने वाले भोला पासवान देश में पहले दलित मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता की बागडोर संभाली थी। कांसीराम की सियासत तब शुरू भी नहीं हुई थी। इसके बाद भी बिहार में दलित राजनीति उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह अपनी जड़ें नहीं जमा सकी। इसका कारण क्या रहा होगा, तो आइए आपको बताते हैं। हालांकि इसके बाद भोला पासवान 2 बार और सीएम बने और दूसरी बार 13 दिन के सीएम और तीसरी बार में उन्होंने 222 दिन के मुख्यमंत्री के तौर पर लंबी पारी खेली। इतना ही नहीं, वो 4 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद भोला पासवान शास्त्री 1973 में इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए और कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 9 सितंबर 1984 की बात है, बिहार के इस दिग्गज नेता का निधन हो गया। भोला पासवान शास्त्री अपनी सादगी भरे जीवन के लिए जाने जाते थे। भोला पासवान के पास बिहार को जनता दल के शासन के दौर में राम सुंदर दास के तौर पर दलित मुख्यमंत्री मिले। बता दें कि राम सुंदर दास जो हैं वैशाली से चुनाव लड़ते हाजीपुर से और इन्होंने रामविलास पासवान को हराया था। राम सुंदर दास ने 1989 से 1980 तक 1 साल सत्ता की कमान संभाली, लेकिन फिर उसके बाद कोई दलित मुख्यमंत्री बिहार को नहीं मिल सका। सामाजिक न्याय के नाम पर ओबीसी नेताओं के हाथ में ही सत्ता रही है। कभी लालू यादव ने राज किया तो कभी मौजूदा समय में नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए इस समय आरजेडी और जदयू दलित मतों को साधने में जुटे भी हैं, और क्योंकि मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं तो बिहार में दलित राजनीति के विकास में बाधक बनने वाला तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 90 के दशक और उसके बाद के अगड़े और पिछड़े वर्ग की देखा देखी बिहार के दलितों में भी जातीय चेतना हावी हो गई।
इससे एक बड़ा दलित आंदोलन का अवसर दलितों के हाथ से निकल गया। अगड़े वर्गों में जातीय चेतना का विकास तब हुआ जब वे समाज के बाकी समुदायों से आगे निकल गए। पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों में जातीय चेतना तब विकसित हुई जब इनमें से कुछ जातियों ने सत्ता का स्वाद चख लिया, लेकिन दलितों के बीच अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारे बिना ही जातीय भावनाओं ने अपना बसेरा कायम कर लिया। आखिर ऐसा हुआ क्यों और इसके जिम्मेदार कौन थे, तो हम आपको बताते हैं। पासवान समुदाय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हो लिया, मुसहर समुदाय जीतन राम मांझी के साथ हो लिया और उसकी पार्टी हो गई हम के साथ हो लिए, जबकि राम रविदास समाज ने बहुजन समाज पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पहचान को जोड़ लिया। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि ये सभी पार्टियां अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपनी पार्टी की राजनीतिक सौदेबाजी के लिए जाति को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं। दरअसल बिहार में अनुसूचित जाति, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दलित वर्ग कहा जाता है, की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 16% है और बिहार के दलित समुदाय में 22 जातियां आती हैं। नीतीश कुमार ने पहले ही इन जातियों को सुविधा अनुसार दलित और महादलित की श्रेणी में रखा, तो 2 साल पहले सबको महादलित बनाकर एक ही श्रेणी में शामिल कर दिया। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने दलित समुदाय को साधने के लिए दलित कैटेगरी की 22 जातियों में से 21 को महादलित घोषित कर दिया। अपनी तरफ से कोशिश शुरू की जिसमें वो कामयाब भी रहे। हालांकि 2018 में उन्होंने पासवान जाति को भी शामिल कर सभी महादलित समाज के जो भी लोग थे सबको महादलित बना दिया। आधिकारिक तौर पर बिहार में अब कोई दलित समुदाय नहीं रह गया है, सब महादलित के रूप में दर्ज हो चुके हैं। हालांकि सारे दलित वोट को मिला दें तो कमोबेश यह समुदाय यादव वोट बैंक से कम ताकत नहीं रखता है। दलित कोटे के वोट का 70% हिस्सा रविदास, मुसहर और पासवान जातियों का है। ऐसे में सूबे में, खासकर बिहार की जो बात हम कर रहे हैं, दलित वोट बैंक सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय करने की ताकत रखता है। बिहार विधानसभा में कुल 38 आरक्षित सीटें हैं। 2015 में आरजेडी ने सबसे ज़्यादा 14 दलित सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू की 10 और कांग्रेस की 5 और बीजेपी को 5 और बाकी 4 सीटें अन्य दलों को मिली थी। इसमें 13 सीटें रविदास समुदाय के नेता जीते थे, जबकि 11 पर पासवान समुदाय से आने वाले नेताओं ने कब्जा जमाया था। 2005 में जदयू को 15 सीटें मिली थी और 2010 में 19 सीटें जीती थी। बीजेपी के खाते में 2005 में 12 सीटें आई थी और 2010 में उसने 18 सीटें जीती थी। आरजेडी को 2005 में 6 सीटें मिली थी जो 2010 में घटकर 1 रह गई थी। 2005 में 2 सीट जीतने वाली एलजेपी ने तो 2010 में इन सीटों पर खाता तक नहीं खोला और कांग्रेस का भी यही हाल था। तो ये थी हमारी खास पेशकश कहानी शासन, सत्ता और सियासत के गलियारों से, जिसमें आज हम आपको बता रहे थे कि कैसे भोला पासवान शास्त्री जो थे बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री तो बने ही, साथ में पूरे देश के पहले दलित मुख्यमंत्री बने, और किस तरीके से पहला दलित मुख्यमंत्री बिहार में बनने के बावजूद भी बिहार में दलित की जो राजनीति है वो हाशिए पर है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और मूव मीडिया को देखते रहें। नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।